दुनिया भर में भारत के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली के करोड़ों फैंस हैं। काफी टाइम से अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट ने एशिया कप में शानदार वापसी की। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना 71वां अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ा और सभी आलोचकों की बोलती बंद कर दी। अब विराट को लेकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने एक बयान देकर खुद को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल अफरीदी ने विराट कोहली को सलाह देते हुए रिटायर हो जाने की बात कही। अफरीदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि विराट को संन्यास के बारे में सोचना चाहिए। विराट ने जिस तरह से क्रिकेट खेला है और जिस तरह कड़ी मेहनत से क्रिकेट में अपना नाम बनाया है, उसे देखे तो वह एक चैंपियन खिलाड़ी हैं। ऐसे में उन्हें अपने करियर के टॉप लेवल पर रहते हुए क्रिकेट से अलविदा ले लेनी चाहिए। कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि आपको टीम से ड्रॉप होना पड़े। अफरीदी के इस बयान ने विराट कोहली के फैंस में आक्रोश ला दिया है। विराट के फैंस के साथ साथ भारत के पूर्व गेंदबाज अमित मिश्रा भी अफरीदी के बयान से नाखुश हो गए हैं। उन्होंने शाहिद अफरीदी को ट्विटर पर करारा जवाब दिया। मिश्रा ने शाहिद अफरीदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि प्रिय अफरीदी, कुछ लोग केवल एक ही बार रिटायर होते हैं, इसलिए कृपया विराट कोहली को इन सब से बख्श दें। आपको बता दें कि अफरीदी ने अपने करियर में कई बार संन्यास लेने के बाद फिर से क्रिकेट में वापसी की थी। इसी संदर्भ में अमित मिश्रा ने अफरीदी पर यह तंज कसा। अमित मिश्रा का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोगों को उनका जवाब काफ़ी पसंद आ रहा। बता दें कि विराट कोहली का फॉर्म एशिया कप से पहले लगातार फ्लॉप चल रहा था, लेकिन एशिया कप में अच्छे रन बनाकर उन्होंने अपने फॉर्म को वापस पा लिया है। अब फैंस को उम्मीद है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में उनका ये फॉर्म बरकरार रहे और उनके बल्ले से रनों की बारिश हो। खेल जगत की तमाम खबरों के लिए देखते रहें MGB Digital India।